नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप 10 खबरों पर। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने रिटायर्ड फौजी को उसके बेटे को बिजली निगम में सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दिया था। मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक में नकली नोट चलाने का प्रयास करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 500 और 2000 के नकली नोट भी मिले हैं। वहीं नकली नोट छापने के लिए प्रयोग किया गया कलर प्रिंटर और कागज भी बरामद किया गया है। हिसार के आदमपुर विधानसभा का चुनाव परिणाम आते ही पूरा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस मुक्त हो गया है। हिसार में विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने केवल एकमात्र आदमपुर की सीट जीती थी, जो कि 3 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। हिसार नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा राज्य गौशाला संघ के प्रदेशाध्यक्ष शमशेर आर्य सहित गो भक्तों का आरोप है कि ढंडूर के पास गहरी जंगली कीकर और झाड़ियों की आड़ में भूचंड खाना चल रहा है। सीटी की परीक्षा दूसरे दिन गन्नौर में 5 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्र का SDM सुरेश दून और DSP आत्माराम बिश्नोई ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि दूसरे दिन 5 परीक्षा केंद्रों में सुबह के शिफ्ट में 240 छात्रों में से 640 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हरियाणा के पांची जाटान से एक मामला सामने आया है। बता दें कि शादी समारोह में DJ पर तेज में आकर एक युवक पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली युवक के पैर में लगने पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। गन्नौर थाना पुलिस ने सूचना पर मौके का मुआवजा लिया। हरियाणा के पानीपत जिले के गाँव गांजबंड से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बंद कमरे में शराब पार्टी के बाद दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना उस वक्त मिली जब तीसरा दोस्त अपने ड्यूटी कर रात करीब 11:30 बजे कमरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के बाहर की कुंडी बंद है। जैसे ही उन्होंने कमरा खोला तो अंदर खून से लथपथ उसका दोस्त पड़ा हुआ था, जिसके बाद दोस्त ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और घटनास्थल का जायजा लिया और फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत हुई है। BJP के नेता भव्य बिश्नोई ने वहां पर 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जिसके बाद CM मनोहर लाल करनाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और जीत का जश्न मनाया। हरियाणा की हवा में कम हुआ प्रदूषण के चलते फैक्ट्रियों से पाबंदी हटा दी गई है, तो वहीं अब दिल्ली डीजल वाहन जा सकते हैं। NGT और GRAP4 की सब कमेटी ने एयर क्वालिटी सुधारने के लिए लगाई गई रोकों का फैसला वापस ले लिया है। अब GRAP के पहले चरण से लेकर तीसरे चरण के तहत लगी रोक ही जारी रहेगी। सब कमेटी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ की महिला वकील ने NIA की रेड के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका PIL पर आज सुनवाई है। बीते 18 अक्टूबर को एडवोकेट डॉक्टर शैली शर्मा के सेक्टर 27 स्थित घर और ऑफिस में सुबह 6:30 बजे रेड की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा आज।